नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए आज हम बात करने वाले एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC के बारे में कि कितना करप्टेड और बायस्ड ये है, और क्या सच में ये पूरे एशियन फुटबॉल के लिए सोच रहा है या सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए सोच रहा है। और रिसेंटली आपने देखा जिस तरीके से मोहन बगान के लिए उन्होंने फैसला सुनाया, टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया जबकि सब कुछ उनके कंट्रोल में था और पहले ही रिक्वेस्ट की गई थी मैच वेन्यू को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना गया। तो मैं इसके ऊपर जो है कुछ खुलासे करना चाहूँगा जो कि हुए हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में, जिससे आपको समझ में आएगा कि AFC कितना बायस्ड है। ये कुछ उनकी पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए ही सोच रहा है, अदर पूरे एशिया के लिए सोचता ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंसान का नाम बताना चाहूँगा, शेख अहमद अल फहाद अल सबा। ये आते हैं कुवैत से और एक पॉलिटिशियन है। अब आप सोचेंगे मैं इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, ये बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इनका है हमारे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में, इवन फीफा में भी। और ये वही इंसान है जिनके ऊपर फीफा में रिश्वत लेने के आरोप भी लगे थे। कतर को जो फीफा वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग मिली थी उसमें जो स्कैंडल हुआ था, जो फीफा ऑफिशियल्स को रिश्वत देने की बातें निकल के आई थी, उनमें इनका भी नाम था, क्योंकि ये उस टाइम पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी मेंबर थे और फीफा के काउंसिल मेंबर भी हुआ करते थे। देन फीफा में जो स्कैंडल पकड़ा गया था उसके बाद इन्होंने फीफा से रिजाइन किया था। अब आप सोचेंगे कि मैं इन इंसान के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो 2019 में AFC के इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। तो देखिए, एक लेडी थी मालदीव्स की जो 2019 में AFC के एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक सीट के लिए एज अ फीमेल कैंडिडेट खड़ी हुई थी। इनका नाम था मरियम मोहम्मद। तो देखिए, AFC में 25 जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीट्स थी उनमें 5 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी, तो उनमें एक सीट के लिए मरियम मोहम्मद खड़ी हुई थी। तो इलेक्शन के 2 दिन पहले इनको ऑफिशियल इनविटेशन देकर एक प्राइवेट होटल रूम में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग जो है अवेलेबल होते हैं जिनमें ये शेख अहमद भी होता है, और मरियम को ये कहा जाता है कि आप अपना नॉमिनेशन जो है इलेक्शन से वापस ले लो, अदरवाइज आप कभी भी फुटबॉल में काम नहीं कर पाओगी, और अगर आप यहाँ से विड्रॉ करती है, आप नॉमिनेशन बाहर लेती है इलेक्शन से, तो आपको AFC में या फीफा में दूसरी जॉब दे दी जाएगी। तो एक तरह से एक थ्रेट भी दी जाती है और एक ऑफर भी दिया जाता है, मतलब एक रिश्वत भी पेश की जाती है मरियम मोहम्मद को, और उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट ये शेख अहमद का होता है। तो मरियम मोहम्मद उस ऑफर को ठुकरा देती है और वो इलेक्शन भी हार जाती है। देन वो AFC के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, सारी चीजें बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन AFC में कई महीनों की दौड़ के बाद भी कोई इंसाफ उनको नहीं मिलता है। शेख अहमद के ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये पहला एग्जांपल था कि AFC कितना बायस्ड है, वो कोई कार्यवाही नहीं करता शेख अहमद के ऊपर, बिकॉज वो कुवैत से थे और वो कुवैत के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। देन 2022 में कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी AFC को टारगेट किया था, और उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ये एग्रेसिवली अटेम्प्ट कर रही है पूरे एशियन फुटबॉल को कंट्रोल करने का। उनके हिसाब से सारे होस्टिंग राइट्स और जितने भी बिड्स हैं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को फेवर किए जाते हैं, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। उनके हिसाब से जो बैलेंस्ड होस्टिंग होना चाहिए वेस्ट और ईस्ट रीजन दोनों में, वो सही तरीके से नहीं चलती है, ये कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन का कहना था। और जो 2027 के लिए सऊदी अरब को जो होस्टिंग भी मिली है, तो इस पे भी कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन ने ये कहा है कि सऊदी अरब जो है सेपरेटली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है AFC को, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब को जो है फेवर किया है होस्टिंग के लिए। तो देखिए, ये कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन के आरोप हैं, इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो कोई भी प्रूफ नहीं है, बट एक एसोसिएशन अगर इस तरीके के इल्जाम डायरेक्टली ओपनली लगा रहा है तो कुछ तो है, हिडन बात है जो हमको नहीं पता शायद। देन इस बार जो U23 एशियन कप हुआ था उसमें इंडोनेशिया ने ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करी थी AFC के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि AFC U23 एशियन कप में रेफरी बहुत ही बायस्ड है, ये फेवर कर रहे हैं कतर को, जो कि होस्ट भी था और इंडोनेशिया से उनका पहला मैच भी था जिसमें कतर ने 2-0 विन भी किया था। तो इंडोनेशिया ने जो ताजिकिस्तान के रेफरी थे उनके ऊपर जो है वो कंप्लेंट करी थी कि ये जो है कतर को सपोर्ट कर रहे हैं, कतर को फेवर कर रहे हैं, ताकि कतर जो है एज अ होस्ट इस टूर्नामेंट में विन करे। और अभी रिसेंट में आपने देखा इंडोनेशिया वर्सेस बहरीन का मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3rd राउंड में, उसमें आपने देखा इंडोनेशिया मैच को विन कर रही थी 2-1 से, और लास्ट में 90 मिनट के बाद एडेड टाइम उसमें जोड़ा जाता है 6 मिनट का, लेकिन 6 मिनट के टाइम को 9 मिनट तक कर दिया जाता है। हर बार अगर उनको रोका जा रहा था तो रेफरी जो है फाउल दे रहा था बहरीन के फेवर में, और इस तरीके से 6 मिनट के गेम को 9 मिनट किया जाता है और उस गेम को बहरीन ड्रॉ कर लेती है एंड मोमेंट पे, और जैसे ही वो इक्वलाइजर मारते हैं गेम को बंद कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो मैच इंडोनेशिया जीत सकती थी और उनके चांसेस जो बढ़ते कि वो और आगे जो है प्रोग्रेस करते,
अब उन्होंने मैच ड्रॉ करके एक पॉइंट पे उनको सील कर दिया। तो इंडोनेशिया ने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर आप देख सकते क्लियरली कि किस तरीके से रेफरी अपनी एक फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहा था, और ये हो सकता है जो AFC चाहता वैसे ही होगा ना भाई। और हम अगर बात करें हमारे मोहन बगान की, तो जैसे कि आपने देखा मैच के पहले ही, कुछ दिन पहले ही हमने ऑफिशियली लेटर दे के AFC को बोला था कि भाई हमको सिक्योरिटी इशू है ईरान में, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ऐसी चल रही है, आप वेन्यू जो है एक ऐसा कर दीजिए जहाँ पर दोनों टीम ट्रैवल करके मैच खेल सके। लेकिन AFC ने हमारी नहीं सुनी, इवन एडवांस में बोला गया था तो भी पहला, और उसके बाद हमारी ही टीम को उन्होंने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जो कि सबसे गलत डिसीजन था, बायस डिसीजन था इन फेवर ऑफ ईरान के क्लब के। अब देखिए यहाँ पर लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि अभी देखिए सेम अल नसर का भी मैच है ईरान के क्लब इस्तेग्लाल के अगेंस्ट, और अल नसर में खेलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और सऊदी अरब का इतना बड़ा क्लब, पैसे वाला क्लब, अब उनको भी सेम ये चीज़ का इशू था कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशू है जो ईरान में। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो दुबई को एक वेन्यू डिसाइड किया जा रहा है अल नसर वर्सेज जो इस्तेग्लाल FC है ईरान का क्लब, उस मैच के लिए, तो वो मैच ईरान में नहीं होगा। अब बताइए ये क्या बायस नहीं है यहाँ पर? आप सऊदी अरब के क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मोहन बगान जो इंडिया का एक क्लब है, जो एक ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ के क्लब्स को आपको एक इंपॉर्टेंस देना चाहिए फुटबॉल ग्रो करने के लिए, आप लेकिन उस क्लब को टूर्नामेंट से बाहर कर रहे हो कि आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, आप AFC के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, जबकि हमने रिक्वेस्ट भी करी थी हमको मैच दूसरे वेन्यू में कर दो। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि AFC कितना बायस्ड है, कितना करप्ट है, और उसको पैसे के दम पे नचाया जा सकता है। सो दैट्स इट गाइस, मैं आपको यही AFC की सच्चाई बताना चाहता हूँ, कितने करप्ट वो है, कितने घटिया है, और क्या आपको लगता है कि इस तरह की करप्टेड AFC, एक करप्टेड कॉन्फेडरेशन पूरे एशियन फुटबॉल को ग्रो करने के बारे में सोच रही होगी? क्योंकि आप देखिए आज भी पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज ही ग्रो कर रही है, कुछ कंट्रीज अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि AFC को सही तरीके से ध्यान देना चाहिए जो कंट्रीज ग्रो नहीं कर रही है? कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेकर आना चाहिए ताकि वहाँ की फेडरेशन भी उस तरीके से काम कर पाए, बट दे डोंट केयर अबाउट दैट। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और आगे भी हम इसी तरीके की डिटेल्ड बातें करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।